नमस्कार साथियों, देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की आने वाली भर्ती 2022 में जिसका आवेदन दिनांक कब होगा, इसका नोटिफिकेशन जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। जहां तक उम्मीद है कि इसका आवेदन दिनांक जो है लगभग 15 जून से आपको देखने को मिल सकता है, ये मेरी संभावना है जहां तक मैं बता रहा हूं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका जुलाई हो सकता है, मान लेते हैं, तो कोई आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपको पढ़ाई करनी है। तो एग्ज़ाम जो है आपका नवंबर या दिसंबर तक देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि आपके पास जो है 4 से 5 मंथ का समय है, तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है कि इसको एग्ज़ाम को आप क्लियर कर लें। उसके बाद जो है एज कहाँ से गणना होगी। एज होती है मेल के लिए होती है 18 से 23 साल होती है, जबकि फीमेल के लिए 18 से 25 साल एज है। ये जनरल के लिए होती है, ठीक है। ओबीसी और एससी एसटी में है तो आपको 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी एससी एसटी को 5 साल की छूट भी मिलती है, तो कह सकते हैं एज में ये आपको छूट मिलती है 5 साल। फिजिकल की बात करते हैं जहाँ तक, तो आपकी हाइट जो है अगर जनरल में है ओबीसी और एससी को हैं तो आपको 61 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि एसटी में है तो आपको 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं पर अगर फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में जैसे जनरल ओबीसी एससी में है तो उनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जबकि एसटी में है तो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये बात है। तो आप इतनी हाइट के हैं तो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम पेपर को भर सकते हैं। चेस्ट की बात करते हैं तो 79 से लेकर 84, इसका मतलब 79 जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर जनरल ओबीसी एससी के हैं तो एसटी के हैं तो 77 जो है आपका नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद 82 होना चाहिए। रनिंग की बात करते हैं तो 4.8 किलोमीटर होता है, जबकि 25 मिनट में आपको क्वालिफाई करना होता है। और वहीं पर जैसे फीमेल में हैं तो आपको 2.4 किलोमीटर होता है 14 मिनट के अंदर, ये बात है। इसमें फीमेल में आप देखे होंगे इनकी वेट जो है 40 केजी होना चाहिए न्यूनतम, और इतना ही। अगर भर्ती जून के वजह जुलाई में आती है तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि भर्ती अगर 1-2 महीने लेट होती है तो उसके कोई आपको दिक्कत नहीं है, आपको केवल पढ़ाई करना है, पढ़ने से मतलब है। भर्ती निश्चित तौर पर आएगी, भले 1 मंथ ले 2 मंथ ले 3 मंथ ले, लेकिन भर्ती निश्चित आपको दिख रही है। 26,000 पद, तो काफ़ी मेहनत करिए आप, क्योंकि इससे बड़ी भर्ती आप देखने को नहीं मिलेगी कई सालों के अंदर। हो सकता है कुछ वैकेंसियाँ अभी हाल ही में, हो सकता है कि होमगार्ड की भी 10,000 आने वाली है, तो इसके हिसाब से आप तैयारी करिए कि कम से कम इसमें आपका पुलिस में हो जाए, ठीक है, क्योंकि भर्ती अब आपको आगे देखने को नहीं मिलेगी।